बात करें, आप लोग थियरिटी के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, चाहे ब्रेसलेट्स की बात करते हैं, थियरिटी के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग उसको दिखाते हैं अगर, तो इट विल गिव अ एवरलास्टिंग इंपैक्ट। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यस, है ना। तो जो दिखाना बहुत जरूरी होता है डेमोंस्ट्रेशन के बारे में, तो मैं अभी अभी मेरे साथ दो और आएंगे मेरे साथ में यहाँ पे, लेकिन हम लोग डेमोंस्ट्रेशन आज जो मुझे सेशन दिया गया है, सबसे पहला आप जो प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा फर्स्ट प्रोडक्ट से, हमारा एंटी रेडिएशन बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। साथियों, एंटी रेडिएशन बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट जो है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, क्या है उसके बारे में हम क्या समझाना चाहते हैं? बायोमैग्नेटिक, सबसे पहले अगर आप ब्रेसलेट बता रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेसलेट बता देते हैं, वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ताकत दिखा देते हैं, लेकिन ताकत दिखाने का लॉजिक क्या है? एक ब्रेसलेट, मैं एक आम व्यक्ति हूं, मुझे ब्रेसलेट क्यों पहनना चाहिए, ब्रेसलेट पहनने से मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, ये अगर मुझे क्लियर हो जाए तो मैं आपका ब्रेसलेट खरीदूंगा। तो ब्रेसलेट खरीदने के पीछे डेमोंस्ट्रेशन से पहले उसकी थोड़ी बहुत 5 मिनट का जो बेस रहता है कि मैं एज अ स्पेक्टेटर, एज एन ऑडियंस, मैं आपका ब्रेसलेट क्यों लूं, ऐसी क्या खास बात है, मार्केट में बहुत सारी ब्रेसलेट्स है। तो जो उसका नाम है बायोमैग्नेटिक एंटी रेडिएशन ब्रेसलेट, बायोमैग्नेटिक, ये वर्ड जो है याद रखना, व्हाट इज बायोमैग्नेटिक। तो आपको थोड़ा, आप जब बात करोगे बायोमैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर बात करना है कि व्हाट इज बायोमैग्नेटिक एनर्जी। बायोमैग्नेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ओरिजिनली हमको हमारी जो धरती है यहां से मिलती थी। पुराने जमाने में लोग नंगे पैर चलते थे, आपने देखा खेतों में चलते थे नंगे पैर, जिससे उनको ओरिजिनली उनको जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी मिलती थी, एंड बायोमैग्नेटिक एनर्जी मिलने से जो एक लाभ जो हमको मिलता है वो है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपके पास बायोमैग्नेटिक एनर्जी बहुत जबरदस्त है तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, आज अगर एज अ डॉक्टर मैं बात कर रहा हूं, आज हर व्यक्ति यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए कहीं ना कहीं 90% ऑफ द डिजीज इन द वर्ल्ड, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एरिया में आपके खून का दौरान कम हो रहा है, बैक की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। आप जब अपने ऑडियंस से कनेक्ट करोगे, जब आपको ब्रेसलेट दिखा, जब बात करोगे, जैसे सत्येंद्र ने भी बताया कि आपको पूछना है कितने लोगों का सपना है कि आपको फॉर एग्जाम्पल घर लेना है गाड़ी, वो ड्रीम्स की बात थी। सिमिलर वे में व्हेन यू आर टीचिंग अ सर्टेन, सेम क्वेश्चन गोज देयर, कितने लोग यहाँ पे ऑडियंस में ऐसे बैठे हैं जिनको ठीक से नींद नहीं आती, पूछ सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम लोग बताएंगे, कितने लोग हैं जो जगह बदलते ही उनकी नींद खराब हो जाती है। कई लोग बोलेंगे आपको, अरे सर मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, मेरी जगह बदलती अगर बिस्तर बदल जाता है तो मुझे नींद नहीं आती है। कितने लोग यहां पे बैठे ऑडियंस में, आप हेल्थ के बारे में सवाल दें, बिकॉज यू आर सेलिंग अ हेल्थ प्रोडक्ट, तो हेल्थ के बारे में सवाल पूछिए। कितने लोग हैं जो रात भर अच्छी तरह से नींद निकालने के बावजूद सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं करते, कितने लोग यहाँ पे, हाँ सर, कितने लोग यहाँ पे जिनको पेट साफ नहीं होता मॉर्निंग में। इस तरह के आप चार पर जो भी आपको लगता है सवाल आप पूछ सकते हो, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो सालों से कैल्शियम विटामिन मिनरल्स पेन किलर सारे हैं, लेकिन फिर भी आज अपने जोड़ों के दर्द से वो लोग जूझ रहे हैं, यस हम लोग भी चाह रहे। तो हम साथियों, मैं आज आपको ऐसा एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो ना केवल आपकी एक बल्कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जैसे मैं अभी जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, ये सारे प्रोडक्ट का एक आप एग्जांपल दे सकते हो, बाहर से नहाते हो एलोवेरा आपके अंदर का स्नान है, इतना आपको बोलना है, इंटरनल बाथ ऑफ द बॉडी, इंटरनल सर्विसिंग एजेंट, इस प्रकार से हम उसको भी पीछे कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको ब्रेसलेट बताया बायोमैग्नेटिक एनर्जी, जैसे जैसे आधुनिकरण हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारे इनबिल्ट एयर कंडीशन आ गए हैं, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, ये
जितने भी जो हमारे जितने टेक्नोलॉजी सुपर टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, इनके आने से धरती की जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी थी 50% इन उपकरणों के कारण वो एनर्जी हमको नहीं मिल पा रही। नतीजा सुस्ती, दिन भर हमको थकान लगती है। डॉक्टर साहब मैं सब कुछ बढ़िया खाता हूं, मेरे बच्चों को बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाती हूं, मैं अच्छे से अच्छा खाना खाती हूं, लेकिन थकान लगती है, समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं, मैं सब कुछ बढ़िया खाती हूं, सब करने के बावजूद मैं बहुत थका थका सा महसूस करता हूं। होता है ऐसा? ऐसा होता है। आप लोग जितने ज्यादा सिम्टम्स, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी बेचनी होती है। आपको जितने भी ज्यादा सिम्टम्स जितना आप बताओगे कि ऐसा हो रहा है, थकान लग रही है, पहले बहुत फ्रेश होता था, आप किसी भी टीवी पे एड को देखिए, तो टीवी एड में आपको पहले बिफोर आफ्टर जरूर बताते हो, बिफोर आफ्टर। तो उस प्रकार से मान लेते हैं आप अगर बायोमैग्नेटिक, बायोमैग्नेटिक एनर्जी, ये एनर्जी ये आधुनिकरण के कारण हमको नहीं मिल पा रही। नतीजा आज हम लोग हमारे बॉडी में जो हर बंदा जो 30+ यहाँ पे बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी कमर में दर्द हो रहा है, इंडियन टॉयलेट पे वो बैठ नहीं पाता है, अगर गलती से बैठ भी गया तो उठ नहीं पाता है, यही होता है। तो इसमें क्या है, एक तो बायोमैग्नेटिक एनर्जी आपको कहां से मिलेगी। अब सवाल यह है कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी कहां से मिलेगा। आधुनिकरण तो रहेगा और भी रहने वाला है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रेसलेट पिच करूंगा, तो बायोमैग्नेटिक एनर्जी को हमको थोड़ा समझाना है। इसके बाद में एंटी रेडिएशन, बायोमैग्नेटिक एंटी रेडिएशन, आप लोग पैड पिच करते हो तो एंटी हमें ज्यादा है, यानी मोबाइल इस्तेमाल करने से डेंजर आपके बच्चों को ज्यादा डेंजर है, राइट। तो बायोमैग्नेटिक एंटी रेडिएशन, आपने रेडिएशन का खतरनाक इफेक्ट देखा, बायोमैग्नेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी। तो साथियों मैं आज आपके सामने इसका एक जबरदस्त सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक एंटी रेडिएशन ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट किस प्रकार से काम करता है, मैं डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से आपको मैं अभी एक बता रहा हूं। ये बोल सकते हो किसी बोल सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द जीरो बैलेंस पोजीशन। कौन सी पोजीशन? जीरो बैलेंस। इस पोजीशन में नोबडी इन द वर्ल्ड कैन होल्ड हिज बैलेंस। जैसे मैं दिखाता हूं, इसको पीछे करना है, इसको हाथ इसको टाइट पकड़िए। इस पोजीशन में आप एक आम व्यक्ति कभी भी अपना बैलेंस पकड़ नहीं सकता। तो आप लोगों को क्या करना है, जब हम सैंपल आपको करके देना है, आपको पूरी ताकत से खड़े रहना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। तो मैं आपके सामने पहले आपको डेमो कर देता हूं और थोड़ा इसका हल्का सा प्रेशर देता हूं, 1, 2 and 3, हल्का है ना, हल्का मैं धक्का दे रहा हूं और इनका बैलेंस पूरा चला जाता है। इसको थोड़ा टाइट करेगा, इसको थोड़ा टाइट पकड़ के रखेगा। हाँ, तो 1, 2 and 3, ये हल्का है, हाँ कोई बात। तो ये ऐसा बैलेंस चला जाता है, ये नेचर का लॉ है। इस पोजिशन में कोई भी अपना बैलेंस ठीक से रख नहीं पाता। तो मैं अभी इनके ऊपर और यही 30 seconds आप थोड़ा माहौल बना के लोगों से बात कर सकते हो कि साथियों ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्योर साइंस है। बायोमैग्नेटिक एंटी रेडिएशन इट इज अ प्योर साइंस, बोला आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। ये वो टेक्नोलॉजी है, हाथी की ताकत को चींटी में डालने की ताकत, हाँ हाथी की ताकत को चींटी में डालने वाला, दैट इज बायोमैग्नेटिक जो ताकत होती है, उसी से ये ब्रेसलेट के मैग्नेट जो बने हुए हैं इतने जोश पावर का हो गया। बता सकते हो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जब तक ये 30 सेकेंड्स में अपना काम शुरू करता है। तो अब हम दोबारा से वही वाला एक्सपेरिमेंट करना, आपको खड़े रहना है और पहले आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ओके। तो पहले जो आप देख रहे थे, अभी इनसे थोड़ा ज्यादा मैं आपको वजन रखने वाला हूं, तो आप देखेंगे इनके ऊपर इसका क्या असर होने वाला है। सो 1, 2 and 3, ओके। और कितना वजन पहले और बाद में आपको समझ में आया, पहले और अभी मैं कितना वजन का अंतर था, अभी कुछ नहीं लग रहा था। इसी प्रकार आपका कस्टमर भी बताएगा या ज्यादा सा बताएगा, नहीं सर पहले से मेरे को दोगुना तीन गुना लग रहा था,